आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर्स अड्डा पुणे पर। मैं शिव कुमार तिवारी और आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एसएससी रेलवे एफसीआई की अगर हम बात करने जाएं और जितने भी सीडीएस एनडीए या फिर हम एफकैट एग्ज़ाम की बात करें उन सभी में आता है, दैट इज़ इंडियन मेडिवल हिस्ट्री। और मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करने जाएँ तो इसको हम लोग दो या तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, जिसमें आपने वेरियस डायनेस्टी पढ़नी होती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलो डायनेस्टी से, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और उसके बाद लोधी डायनेस्टी में जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री में एक मुगल एम्पायर का पार्ट। मुगल एम्पायर में सबसे पहले आपने प्री पीरियड पढ़ना होता है, फिर लेटर मुगल किंग्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग बहादुर शाह जफर तक पढ़ते हैं। बिगनिंग स्टार्ट करते हैं बाबर से लेके। फिर उसके बाद में उसी में आपने मेडिवल हिस्ट्री में सिखिज्म करना होता है, उसी में आपने कर्नाटक या मैसूर किंगडम पढ़ना होता है, हैदर अली और टीपू सुल्तान को, ठीक है। तो साथ में हाँ, दूसरा और पार्ट रहता है आपका मराठा या पेशवा, ठीक है। तो ये पूरा आपका मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट रहता है। तो मेडिवल हिस्ट्री में इससे पहले एक लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बिगनिंग से बात की थी कि जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमने बिगनिंग किया था इन्वेजन ऑफ अरब और इन्वेजन ऑफ तुर्क, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे पहले अरब भारत में आया उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, 712 AD में वो सिंध पर आया। फिर हमने बात की थी तुर्क, दो तुर्क आक्रमणकारियों की बात की थी, एक हमने किया था महमूद गजनवी और दूसरा किया था मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो ये दोनों उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। और बाद में ये बात की थी कि जब मोहम्मद गौरी जब लास्ट में आया भारत में तो उसकी 1206 में डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद उसका जो किंगडम था वह उसके गुलामों में बांट दिया जाता है। और भारत का जो नॉर्थ का जो उसका सबसे फेवरेट गुलाम था, ठीक है, जिसको हमने सिलेव नाम दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने मोहम्मद गौरी की मदद भी की बैटल ऑफ तराइन में। तो आप जानते हैं बैटल ऑफ तराइन दो हुए, एक 1191 AD और दूसरा हुआ 1192 AD। तो जो 91 बैटल ऑफ तराइन था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विन हुआ, गौरी डिफीटेड हुआ, लेकिन सेकेंड में गौरी विन हुआ और पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड था वो डिफीटेड हुआ। तो सेकेंड बैटल में मोहम्मद गौरी की जो मदद करने वाला उसका खास वफादार जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद जब 1206 में उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उसका जो पूरा साम्राज्य था, पूरा जो किंगडम था वह उसके गुलामों में बांट दिया जाता है और नॉर्थ इंडिया का जो पूरा किंगडम मिलता है वो उसके फेवरेट यानी कि पसंदीदा गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब जहाँ से गुलाम रूल करना शुरू करते हैं उसी को हम क्या नेम दे देते हैं, सिलेव डायनेस्टी। लेकिन एक्चुअली में सिलेव डायनेस्टी किसका पार्ट है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अगर टाइम की हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है आपका दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके इसको हम पढ़ने जाएंगे 1526 तक, ठीक है। 1526 में बाबर आता है और बाबर लोधी डायनेस्टी के जो आखिरी राजा होते हैं जिनका नाम होता है इब्राहिम लोधी, उनको डिफीटेड करता है एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। तो वहाँ पे दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का रीज़न समझाया था, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जितनी भी राजा आए, जितने भी सुल्तान आए, उन सभी ने अपना जो कैपिटल बनाया हुआ किसको, दिल्ली। तो दिल्ली का मतलब अ पर्टिकुलर लोकेशन दैट इज रूल्ड बाय द सुल्तान, जिन्होंने सबने सुल्तानों के द्वारा रूल किया गया और उसको अपनी राजधानी बनाया, इसलिए उसको हमने क्या नेम दिया, दिल्ली सल्तनत। आई थिंक ये क्लियर होगा। और दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला पार्ट है सिलेव डायनेस्टी, ठीक है। कभी कभी इसको मामलूक वंश भी बोलते हैं, ठीक है। गुलाम वंश के साथ साथ इसको एक और नेम दिया जाता है, मामलूक वंश, या फिर आपको मोस्टली ये मिलेगा जितनी भी बुक्स मिलेंगी आपको हिस्ट्री की सभी में यही मिलेगा, सिलेव डायनेस्टी, ठीक है। तो इस सिलेव में सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस राजा को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो राजा बनाया जाता है, अपॉइंटेड किंग, ठीक है। किंग की अगर हम बात करें तो ये कब बनाया जाता है, 1206 में। अच्छा, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये स्लेव ऑफ, ये याद रखिएगा, स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, जिसने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में गौरी की मदद की और उसको युद्ध जीतने में सफल बनाया, ठीक है। अच्छा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, ठीक है, कि ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, उसने अपनी राजधानी शिफ्ट की। तो पहली जो राजधानी थी लाहौर थी और लाहौर से वो कहाँ लेके आ गया, दिल्ली,
ठीक है, ये आपने सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। उसकी जो पहली राजधानी थी, उसका जो पहले कैपिटल था, वो लाहौर में था, और लाहौर से वो शिफ्ट करके कहाँ से ले आया, दिल्ली। इसलिए हम इसको पार्ट में किस में पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। अच्छा, दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक टाइटल दिया जाता है, ही इज कॉल्ड लाख बख्श। इसको एक टाइटल दिया जाता है, टाइटल याद रखिएगा, लाख बख्श, या फिर हम इसको नेम दे सकते हैं गिवर ऑफ लाख, ठीक है। तो इस जब इसको राजा बनाया गया तो इसने जनता को लाखों का दान दिया, ठीक है, इसने जनता को लाखों का दान दिया जब इसको राजा बनाया गया, और लाखों का दान देने के कारण ही इसको क्या नेम दिया गया, इसको एक टाइटल दिया गया, एक उपाधि दी गई, दैट इज कॉल्ड लाख बख्श, यानी कि गिवर ऑफ लाख, ठीक है। ये सेम एक्टिविटी की थी बाबर ने, इसलिए बाबर को हम क्या नेम देते हैं, कलंदर, ठीक है। कलंदर बाबर ने भी जब पहला यहाँ पे बैटल जीता, जिसको हमने नेम दिया था फर्स्ट पानीपत 1526 ईस्वी में हुआ, तो उसने काबुल की जनता में बहुत सारा ट्रेजरी बांट दिया, इसलिए उसको कलंदर का टाइटल दिया गया था। यहाँ पे जब इसको राजा बनाया गया तो इसने भी जनता में, अपनी प्रजा में, ठीक है, लाखों का अमाउंट डोनेशन कर दिया, ठीक है, दान के तौर पर दे दिया, इसलिए इसको कौन सा टाइटल दिया गया, लाख बख्श, या फिर आप याद रखना गिवर ऑफ लाख। और दूसरा इसका काम ये था कि इसने सबसे पहले अपनी राजधानी को लाहौर से लेके शिफ्ट करके कहाँ लेके आ गया, दिल्ली। अच्छा, ये गुलाम किस का था, ये आपने याद रखना है, ये किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। तो ये राजा बनाया गया 1206 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम बात करने जाएं, ठीक है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। तो उसने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया कराया, एक आर्किटेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया, जिस आर्किटेक्ट का नाम क्या है, कुतुब मीनार, ठीक है। तो कुतुब मीनार का अर्थ ये मत आप समझिएगा दोस्तों कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था इसलिए इसने इस बिल्डिंग का भी नाम, कंस्ट्रक्शन का, आर्किटेक्ट का नाम भी कुतुब मीनार रखा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सूफी संत के नाम पर डेडिकेटेड थी, कुतुब मीनार जो है सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार का नाम था उनका, तो उनके लिए डेडिकेटेड करके बनाई गई, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया, कुतुब मीनार। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत कुछ फैक्ट है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है था वो याद रखिएगा, सिर्फ स्टार्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट बाय, इसका जो कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से पूरा किया गया कुतुबुद्दीन के दामाद, यानी कि सलेव की हम बात करें, इल्तुतमिश, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन पूरा किया, निर्माण कार्य पूरा किया इल्तुतमिश ने। फिर दूसरा, कुतुब मीनार एक बार क्षतिग्रस्त हो जाती है, लाइटनिंग होता है, बिजली गिरती है इस पर, तो इसका जो ऊपरी वाला पार्ट था, ऊपरी जो खंड था, माला था, वह टूट जाता है, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, और उसको दोबारा जो रिपेयर किया गया वो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। तो इससे रिलेटेड पहले तो ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किसका कंस्ट्रक्शन शुरू कराया, किस बिल्डिंग का, कुतुब मीनार का, सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया जो कि सूफी संत के लिए डेडिकेटेड थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए, ठीक है। लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरा किसके समय हुआ, इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश किनके गुलाम या दामाद थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। अच्छा, एक बार बिजली गिरने की वजह से ये क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसको दोबारा रिपेयर कौन कराते हैं, फिरोज शाह तुगलक। दूसरा, अब ये जो कुतुबुद्दीन का, ये कुतुब मीनार की अगर हम बात करें, इसका एक एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस गेट, जिसको नेम देते हैं हम अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाई दरवाजा या अलाई गेट बोला जाता है। तो ये जो है ये बिल्ट बाय, ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो कंस्ट्रक्शन करवाया वो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये चार पॉइंट हैं कुतुब मीनार से रिलेटेड, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया ऐबक ने, पूरा किया इल्तुतमिश ने, रिपेयरमेंट कराया इसका फिरोज शाह तुगलक ने, और कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है दैट इज अलाई गेट या अलाई दरवाजा, बिल्ट बाय द अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये तो इसका इंपॉर्टेंट वर्क हो गया। दूसरे अगर हम इसके वर्क में देखें, दूसरे वर्क में अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो दूसरा, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट मॉस्क, भारत का सबसे पहला मकबरा बनवाया दिल्ली में, दैट इज जिसको हम नेम देते हैं कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम, ठीक है, ये याद रखिएगा। ही बिल्ट, ही कंस्ट्रक्ट द इंडियाज फर्स्ट मॉस्क, भारत का पहला मकबरा, पहली मस्जिद है, दैट इज़ द कुवत उल इस्लाम, जो कि कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली में। कुतुब मीनार भी आपकी कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली में, ठीक है। इसने एक और कंस्ट्रक्शन कराया, दैट इज
अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और इसका कंस्ट्रक्शन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। और ये लोकेटेड है राजस्थान में। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो तीन कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। एक तो कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराने के लिए, दूसरा इसने भारत का पहला मॉस्क कंप्लीट कराया, दैट इज कुवत उल इस्लाम, जो दिल्ली में लोकेटेड है। और तीसरा इसने जो कंस्ट्रक्शन कराया वो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान में। ये तीन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसको पोलो खेलने का बड़ा शौक था, ठीक है। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है डाइड, ठीक है, वाइल प्लेइंग द, ठीक है, हम चौगान भी लिख सकते हैं या पोलो। तो जब ये पोलो गेम खेल रहा था या चौगान खेल रहा था, तो घोड़े से गिरता है, बुरी तरीके से ये इंजर्ड होता है, बैडली इंजर्ड होता है, और फाइनली इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो डेथ हो जाती है वो 1210 ईस्वी में। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, तो जितने भी लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। तो स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले राजा, फर्स्ट राजा किसकी बात करते हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव क्यों बोला गया, क्योंकि ये किसका स्लेव था, मोहम्मद गौरी का। इसको टाइटल क्या दिया गया, लाख बख्श, क्योंकि इसने कितने का दान दिया, लाखों का दान दिया अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को। दूसरा, इसने अपनी कैपिटल को लाहौर से लेके कहाँ आ गया, दिल्ली। फिर इसने कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू किए, कंस्ट्रक्शन में कुतुब मीनार की बात करें, फिर दूसरा हम भारत के पहले मॉस्क की बात करें, कुवत उल इस्लाम की बात करें, दूसरा हम बात कर सकते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। फिर उसके बाद ये एक बार जब घोड़े से मैं बैठ करके पोलो या चौगान खेल रहा था, तो उसी समय वह घोड़े से गिरता है, पूरी तरीके से इंजर्ड होता है, और फाइनली इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसके परिवार में इसका अगर हम बात करने जाएं, तो एक बेटा था जिसका नाम था आराम साय, ठीक है। इसके बेटे का नाम था आराम साय। तो उसका किंगडम कुछ ज़्यादा समय तक नहीं चलता, इसके बेटे को राजा ज़रूर बनाया जाता है, कुतुब मीनार इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को राजा ज़रूर बनाया जाता है, जिसका नाम था आराम साय। लेकिन 6 महीने या अप्रोक्स 8 महीने के राज के बाद इसको डिथ्रोन किया जाता है, डिथ्रोन, इसको राजगद्दी से अपदस्त किया जाता है। और जो नया राजा अपॉइंट होता है वो कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की अगर हम बात करने जाएं, ये रजिया सुल्तान बाद में लिख लेंगे, क्योंकि वो इल्तुतमिश की बेटी का ही नाम था। पहले इल्तुतमिश के बारे में डिटेल में समझते हैं। इल्तुतमिश की अगर हम बात करने जाएं, तो इल्तुतमिश कौन था, स्लेव, या फिर हम लिख सकते हैं सन इन लॉ ऑफ, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन और ऐबक का ही गुलाम या फिर दामाद था, ठीक है। ही वॉज द इलबरी तुर्क, ये तुर्क था, ठीक है, इलबरी तुर्क था, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब जब इल्तुतमिश की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो इल्तुतमिश की, तो टू ऑपरेट द किंगडम, ठीक है, ही अपॉइंटेड अ ग्रुप, या हम बात कर सकते हैं ट्रूप्स, अ ग्रुप या ट्रूप्स ऑफ 40 सोल्जर्स, मैं यहाँ पे सरदार लिख देता हूँ। तो उसने 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया अपने पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए। इस 40 सरदारों के ग्रुप को अगर मैं नाम देना चाहूँ, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ, इसको क्या नेम दिया हमने, 40 सोल्जर्स, ठीक है, ये सभी सरदार होते थे, इनको नाम दिया जाता था, ठीक है, चालीसा या फिर चहलगानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, चहलगानी या चालीसा। तो इसने पूरे अपने किंगडम को चलाने के लिए, पूरे राज्य को चलाने के लिए 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, ग्रुप ऑफ या फिर ट्रूप्स ऑफ 40 सोल्जर्स, जिनको हमने नेम दिया चालीसा या चहलगानी। इस चालीसा या चहलगानी में एक सदस्य कौन सा भी था, वो याद रखना है, बलबन, ठीक है। बलबन का बाद में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होगा, इन सब के बाद हम पढ़ने जाएंगे रजिया सुल्तान के बाद भी, क्योंकि मैन किंगडम जो आ जाता है बाद में बलबन के हाथ में, ठीक है। तो इस चालीसा या चहलगानी में से एक सदस्य कौन भी था, बलवन, जो बाद में राजा बनाया जाएगा, ठीक है, अभी बलवन के बारे में नहीं, पहले इसके बारे में हम लोग करते हैं। अच्छा, दूसरा, इसने एक सिस्टम और इंट्रोड्यूस किया, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम, ठीक है, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस
एकता सिस्टम, ये याद रखना है, ठीक है। अब एकता सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया का कोई एक इकतादार बनाया जाता था, जो राजा के लिए टैक्स कलेक्ट करता था और राजा के नाम पे टैक्स वसूल करके उसको भेजता था, ठीक है। जिसमें एक पर्सन कैंडिडेट को, एक सरदार को इकतादार बनाया जाएगा, वो टैक्स वसूलेगा, एक पर्टिकुलर उसको लैंड एलोकेटेड होगा, एक एरिया एलोकेटेड होगा, वहाँ पर वो टैक्स कलेक्ट करेगा और डेफिनेटली किसको पहुँचाएगा, राजा को। अब ये जो एकता सिस्टम है बाद में इसको ख़त्म कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आएंगे तो वो फिर से इस एकता सिस्टम को कंटिन्यू करने जाएंगे, ठीक है। तो एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अल्तुतमिश ने, इसको ख़त्म कौन करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, और दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने जाएंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। पहले तो ये चीज़ की हम बात करने जाएँ। एक सरदारों का, 40 सरदारों का ग्रुप जिसको क्या नेम दिया, चालीसा, वो चालीसा में से एक मेंबर कौन सा था, बलवंत। बाद में अगर ये बोलता है कि इस चालीसा या चहलगानी को ख़त्म भी किसने किया, तो हम किसको टिक करते हैं, बलवंत को, क्यों, ठीक है। बाद में ये राजा बनता है, उसको सफल होने के लिए बाकी इस पूरे 40 सरदारों को खत्म करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इल्तुतमिश के समय ही, ठीक है, मंगोल लीडर चंगेज खां, ठीक है, इन्वेडेड ऑन इंडिया। तो ये एक बार नोट कर लीजिएगा आप, इतना पूरा। चंगेज खां जो है वो भारत में आक्रमण करता है किसके टाइम पीरियड में ही, इल्तुतमिश, लेकिन क्या उसका आक्रमण सक्सेसफुल होता है, तो आंसर है नहीं, ठीक है। वो जो अपना आक्रमण है करता जरूर है भारत में, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं होता, दिल्ली को नहीं जीत पाता, ठीक है। इल्तुतमिश सक्सेसफुली रिपील द अटैक या इन्वेजन ऑफ द चंगेज खां, और इसका ये ख्वारिज्म तक पीछा करता है, ठीक है। तो चंगेज खां जो मंगोल आक्रमणकारी था वो भारत में आता जरूर है, लेकिन दिल्ली को नहीं जीत पा, हाँ डेफिनेटली वो डना जनरल मसाकरे, लूटेड द वेल्थ, डेफिनेटली वो लूटता है, लेकिन उसके आक्रमण को पूरी तरीके से जो विफल कर देता है वो कौन सा, इल्तुतमिश। तो ये जरूर याद रखना है। आपने जब आक्रमणकारी की बात करेंगे तो बाबर का, लोधी डायनेस्टी में, फिर हम पढ़ते हैं तैमूर लंग का, जो मुगलक उसमें पढ़ते हैं हम लोग, तुगलक डायनेस्टी में, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, चंगेज का, तो सबसे पहले चंगेज का, उसके बाद हम पढ़ते हैं तैमूर लंग को, ठीक है, जो आया 1398 ईस्वी में, फिर पढ़ते हैं हम बाबर को जो आया लोधी डायनेस्टी में 1526 के टाइम पीरियड में, ठीक है, जहां पे आपका दिल्ली सल्तनत खत्म होगा। अच्छा, फिर इसके बाद एकता सिस्टम याद रखना है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ही कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ, उसने किसका कंस्ट्रक्शन पूरा किया, कुतुब मीनार का, ठीक है। दूसरा, 40 सरदार का कोई ग्रुप बना दिया जिसको क्या नेम दिया, चालीसा, उसके पूरे किंगडम को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एकता सिस्टम तो क्लियर, एक टैक्सेशन सिस्टम था जिसमें एक एकतादार हुआ करता था। अच्छा, फिर बाद में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, और इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद अगर इसकी फैमिली में हम बात करने जाएं, ठीक है, इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद इसके सबसे बड़े बेटे का नाम था रुकुद्दीन फिरोज, इसके सबसे बड़े बेटे का नाम था रुकुद्दीन फिरोज, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बहराम शाह, इसका छोटा बेटा, और एक डॉटर जिसका नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है। तो जब इल्तुतमिश की डेथ होती है, तो इल्तुतमिश की डेथ के बाद 1240 ईस्वी में अप्रोक्स पहली बार सिर्फ राजा किसको बनाया जाता है, रुकुद्दीन फिरोज को, लेकिन ये ज़्यादा समय तक राज्य नहीं कर पाता। जैसे आराम शाह को राजा बनाया गया था लेकिन वो ज़्यादा समय तक राज्य नहीं कर पाता, उसी तरीके से रुकुद्दीन फिरोज को राजा बनाया जाता है, ये लगभग 8 महीने तक राज्य करता है। तो जो इलबरी तुर्क थे, जो व्यापारी थे, वो इसको अपदस्त कर देते हैं और इसको रिप्लेस करके राजा किसको बनाते हैं, रजिया सुल्तान को। एक्चुअली में राजा किसको बनाया जाना था, बहराम शाह को, लेकिन ये राजा नहीं बनाया जाता, राजा किसको बना दिया जाता है, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है राजा किसको बनाया जाता है, इसके बड़े बेटे को, रुकुद्दीन फिरोज को, फिर इसको हटा करके उसकी बेटी को राजा बना दिया जाता है रजिया सुल्तान। किसको नहीं बनाया जाता, बहराम शाह। इसलिए बाद में बहराम शाह किसकी हत्या करता है, रजिया सुल्तान, वो बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो रजिया सुल्तान की हम बात करते हैं, अप्रोक्स 1236 ईस्वी में ये राजा बनाई जाती है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वोमेन रूलर इन दिल्ली सल्तनत। वो ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली और आखिरी जो महिला शासिका थी, मुस्लिम महिला शासिका थी, वो कौन थी। तो डेफिनेटली आपने किसको आंसर टिक करना है, रजिया सुल्तान को। दूसरा, अब वो बोलता है कि वो कौन सी मुस्लिम शासिका थी जिसने पर्दा सिस्टम को अवॉइड किया, ठीक है। तो ये जो रजिया सुल्तान थी, ये याद रखिएगा, डिस्कार्डेड पर्दा सिस्टम, ठीक है। तो ये औरतों की तरह लिबास यानी कि बुरके में
राजदरबार में नहीं जाती थी, ये लोगों की तरह ये राजदरबार में पहनावा पहनती थी और राजदरबार में जाती थी, इसलिए इसने पर्दा सिस्टम का, बुर्का प्रथा का विरोध किया, ठीक है, बुर्का प्रथा का विरोध किया। और दूसरा, ये भारत की अगर हम बात करने जाएं, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, सी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की सिर्फ ये बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो जो पहली और आखिरी मुस्लिम वुमेन रूलर रही वो सिर्फ आप किसको टिक करते हो, रजिया सुल्तान, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ही मैरिड विथ अल्तुनिया। इसकी जो शादी होती है वो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, अल्तुनिया। तो एक्चुअली में अगर अल्तुनिया के बारे में बात करें कि ये अल्तुनिया कौन था, तो अल्तुनिया वॉज द गवर्नर ऑफ बठिंडा, ठीक है। दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि जो अल्तुनिया है ये बठिंडा, उसके पास में जो साम्राज्य था उसका राजा था, और जब अल्तुनिया को पता चलता है कि दिल्ली पर अब एक मुस्लिम वुमेन, महिला शासक रूलर है, तो उसको कमजोर पाकर के उस पर आक्रमण करता है, ठीक है। अब इस आक्रमण को विफल करने के लिए एक मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, मैट्रिमोनियल मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, ठीक है। एक शर्त रखी जाती है कि अटैक करके डेफिनेटली जीतने वाला कौन था, रजिया सुल्तान दिल्ली पर, डेफिनेटली इसको गद्दी मिल जाती। तो रजिया सुल्तान एक कंडीशन रखती है मैरिज प्रपोजल के, इसके सामने, अल्तुनिया के सामने, कि वो उससे शादी करेगी, लेकिन राजा कौन ही रहेगा, रजिया सुल्तान। तो ये एक तरह का समझौता था, एक एग्रीमेंट था, जिसके तहत, ठीक है, ये जो बठिंडा का शासक था वह आक्रमण नहीं करता है दिल्ली पर, और एक अलायंस होता है, मैट्रिमोनियल अलायंस, जिसमें रजिया सुल्तान को किसके साथ शादी करनी पड़ती है, अल्तुनिया के साथ, ठीक है। तो ये पहले आपने याद रखना है कि वाई सी मैरिड विद द अल्तुनिया। तो अल्तुनिया तो इंपॉर्टेंट ये कि कहाँ का शासक था, बठिंडा का, और दूसरी उसके बाद साथ जो शादी होती है किसके साथ, रजिया सुल्तान, क्यों होती है उसका याद रखना है, इट वॉज द मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है, जो लड़ाई को रिप्लेस करने के लिए किया गया। बाद में इस रजिया सुल्तान की हमने अभी बात की थी कि रजिया सुल्तान लेटर मर्डर या किल्ड बाय हिज ओन ब्रदर, और उस भाई का नाम क्या था, बहराम शाह, ठीक है। तो रजिया सुल्तान की बाद में बठिंडा के पास हत्या कर दी जाती है, ठीक है, और हत्या किसके द्वारा की जाती है, उसके ही छोटे भाई, खुद के भाई, जिसका नाम था बहराम शाह। तो रजिया सुल्तान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो इल्तुतमिश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, और दूसरा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान में पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है जो हजार बार रिपीट हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासक का नाम क्या था, तो रजिया सुल्तान याद रखना है, ठीक है। उसकी शादी किसके साथ हुई, तो ये नेम कई बार पूछा गया है, अल्तुनिया जो बठिंडा का गवर्नर था, ये बहुत अच्छा। रजिया किस मुस्लिम वुमेन रूलर ने पर्दा यानी कि बुर्का सिस्टम को डिस्कार्डेड किया, अवॉइड किया, तो याद रखना है, दैट इज द पर्दा, ठीक है। अच्छा, अब जब रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है तो राजा किसको बनाया जाता है, बहराम शाह को, लेकिन बहराम शाह ज़्यादा समय तक नहीं होता, इसको भी डिथ्रोन किया जाता है, फिर दूसरा राजा आता है। अब साम्राज्य पर जो मुख्य नज़र होती है, तो आपको याद हो कि इल्तुतमिश ने एक 40 सरदारों का ग्रुप बनाया था, एक टुकड़ी बनाई थी, जिसका नाम था चालीसा या फिर चहलगानी। वो चालीसा का एक मेंबर कौन था, बलवन। तो लास्ट में इस साम्राज्य पे कब्जा किसका आ जाता है, बलवन का, ठीक है। तो बलवन की अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो बलवन को एक टाइटल दिया जाता है, इसका एक टाइटल रहता है, उपाधि दी जाती है, दैट इज उलूग खां, ठीक है। तो इन्हीं के जो दामाद थे उन्हीं के द्वारा इनको टाइटल दिया जाता है, उलूग खां, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ये जो बलवंत था, वांट टू कन्वर्ट हिज कोर्ट इन पर्शियन मैनर, तो अपने कोर्ट को वो पर्शियन मैनर में कन्वर्ट करना चाहते थे। दूसरा, ये जो बलवंत थे, सबसे पहला तो कि एबॉलिस्ट चहलगानी या फिर चालीसा, तो इसके साम्राज्य में किसी भी तरह की बाधा, वो जो 40 सरदार जो उसने अपॉइंट किए थे इल्तुतमिश ने, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट ना करे, तो सबसे पहले तो ये चालीसा को ख़त्म करता है। अच्छा, इनको टाइटल दिया गया था इन्हीं के दामाद के द्वारा, जिस नाम क्या था, उलूग खां। दूसरा, अपना ये चाहता था कि मेरा जो राज दरबार है वो पर्शियन मैनर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो ही इंट्रोड्यूस, इसने दो चीज़ें लेके आया, पहला पैबोस और दूसरा सजदा, और तीसरा ही ऑल्सो स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंस है बलवन के बारे में, ठीक है, कि उसने सबसे पहले तो एक नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट किया, जो बाद में बंद कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, जो हम पहले के मुगल शासकों में देखें तो सबसे आखिरी होते हैं, 1707 में उनकी डेथ होती है, उसके बाद लेटर मुगल्स आते हैं। तो नवरोज फेस्टिवल से तो ये है कि इंट्रोड्यूस बाय द बलवन,
बट लेटर क्लोज्ड बाय, इसको बाद में कौन बंद करते हैं तो याद रखिएगा, औरंगजेब। बाद में इसको जो बंद कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। अब ये तो हमारे सामने दो परंपराएं हैं, दो कस्टम हैं, एक पैबोस और दूसरा कौन सा है, सजदा। पैबोस का मतलब होता है, ठीक है ये याद रखिएगा, पैबोस का मतलब होता है किसिंग द मोनार्च फीट, किसिंग द मोनार्च फीट, राजा के पैरों को चूमना। तो आपने एक परंपरा में देखी होगी या सीरियल्स में देखा होगा कि जब भी कोई मुस्लिम या सुल्तान के सामने से वापस जाता है तो उसको झुक करके प्रणाम करता है, ठीक है। तो राजा के पैरों को चूमना, टू किसिंग द मोनार्च फीट, दैट इज कॉल्ड पैबोस सिस्टम। सजदा का मीनिंग होता है टू ले डाउन, टू ले डाउन इन द फ्रंट ऑफ किंग, ठीक है, टू ले डाउन इन द फ्रंट ऑफ किंग। तो झुक करके राजा का सम्मान करना, राजा के पैरों को चूमना, ये दो सिस्टम लेके आ गया जो पर्सियन मैनर में कन्वर्ट करना चाहता था, एक पैबोस और दूसरा कौन सा, सिजदा। और एक नया फेस्टिवल लेके आया जिसका नाम था नवरोज फेस्टिवल, और उसको बंद करने वाले कौन थे, औरंगजेब, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है हु इज कॉल्ड द स्लेव ऑफ स्लेव्स, किसको गुलामों का गुलाम बोला जाता है, ठीक है। तो बलवन को बोला जाता है स्लेव ऑफ स्लेव्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्लेव ऑफ स्लेव्स। स्लेव ऑफ स्लेव्स क्यों बोला गया, क्योंकि अगर बिगिनिंग में देखें तो बलवन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। इसलिए सबसे आखिरी गुलाम अगर हम बोलें तो बलवन। तो ये यही क्वेश्चन पूछता है कि हु इज कॉल्ड द स्लेव ऑफ स्लेव्स, किसको गुलामों का गुलाम बोला जाता है। तो आंसर किसको आप टिक करेंगे, बलवन को, ठीक है। अच्छा अब बाद में इसके समय में जो राजधानी है वह कहाँ पहुँच जाती है, किलोखरी, ठीक है, किलोखरी। बलवन के बाद इसका बेटा भी आता है शमसुद्दीन कैमूस, लेकिन उसका जो है जो किंगडम है इतना बड़ा नहीं रहता। उसी समय दूसरा एक राजा आता है जिसका नाम रहता है जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी शमसुद्दीन कैमूस को रिप्लेस करता है और एक नई डायनेस्टी स्टार्ट होगी इसके बाद 1290 से लेकर जो 1320 तक जाएगी, दैट इज़ द खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका सिलेव डायनेस्टी, गुलाम वंश या ममलूक वंश जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट था, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर उसके बेटे आराम सा है लेकिन उसका कोई खास बहुत बड़ा पीरियड नहीं रहा, फिर बाद में उसको रिप्लेस करके उसके बेटे को उसका गुलाम या दामाद राजा बनता है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद राजा बनाया जाता है उसके बड़े बेटे को, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाता, तो उसकी बेटी आती है, ठीक है। बेटी की बाद में हत्या कर दी जाती है, उसका छोटा बेटा आ जाता है बहराम सा, लेकिन उसको भी रिप्लेस किया जाता है, और फाइनली लास्ट में जो रूल करना स्टार्ट करता है बलवन। तो ये था आपका इंडियन मेडिवल हिस्ट्री का सिलेव डायनेस्टी का पार्ट। उम्मीद है कि दोस्तों आपको पसंद आया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।